चुप हो जा। अलग है। एक एकड़ हमारा समझो ये तैयार हो चुका है और अभी दो एकड़ यहाँ पे है। तो हमारा चाचा लीमा साहब भी आ रहा है। चाचू क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब होंगे खैर खैरियत से। मेरा नाम सोहेल अहमद है, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेला सोहेल। तो आज का मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को बोलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फॉलो करो। हाँ, तो आज का व्लॉग हमारे भाई से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कराची से अभी इसके साथ व्लॉग बनाएंगे नहीं, ये समझो हमारे लिए साफ बन गया अभी। तो अभी ये जा रहा है शहर, मुझे भी लेके जा रहा है क्योंकि हम मिलाद कर रहे हैं। मिलाद हमने किया नहीं क्योंकि बिजी बहुत थे, ये भी कराची चला गया था, काम बहुत हैं। तो अभी हम जाएंगे शहर मिलाद का सामान लेने। क्या बनाओगे भाई? हलवा बनाएंगे। हलवा बनाएंगे, मीठा हलवा बनाएंगे। तो मिलाद के लिए बंदोबस्त तो करें। तो अभी हम जाएंगे शहर, हाजी आसिफ के पास आए हैं। तो गाड़ी का चाबी दो, हम जा रहे हैं शहर मिलाद का सामान ले। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके बेटे देखेंगे और भी देखेंगे पंजाब वाले, कराची वाले। ये मिस्त्री का पता नहीं क्या डिस्कस चल रहा है, जगह बन रहा है, इसके बारे में बातें कर रहे हैं हम। चलो गुड हो गए, इसको भी अपने साथ लगाओ, बस जाओ जाओ। डेवरी नहीं कर रहा है, ये बोल रहे बस खेती बाड़ी करूंगा, उसमें मजा है, जाओ बस। मैं जाऊँ? क्यों गुस्सा हो रहा है यार? पता है सुबह सुबह शक्ल ऐसी। जल्दी करो आज यहाँ से पैसे दो इसको, जल्दी करो। इधर ख्याल करो भाई, अभी पैसे दो यार, जल्दी चले यार, गाड़ी तो लेके आए, गाड़ी इधर खड़ा है अभी, यही पैसे के लिए हम इधर रुक गए। जल्दी करो, जल्दी करो, कितने आगे तो चलो। अभी हम शहर जा रहे हैं, काशिफ भाई पता नहीं आज लेट हो गया, स्कूल जा रहा था तो गाड़ी इसको नहीं मिला। टैक्सी पे जाते हैं ना हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल, तो ये हमारा रास्ता है अभी कच्चा है। आप लोगों ने देखा फूल मिट्टी है, इसलिए मैंने रुमाल भी उठा लिया, फूल पे दूंगा, आगे जाके वीडियो खुलेगी। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। वेलकम बैक। तो शहर से अभी वापस आ चुके हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कपास तो ख़त्म हो चुकी, अभी गंदम की तैयारी के लिए जो तैयारियाँ चल रही हैं। अभी देखो ये पानी दे रहे हैं, अभी इसमें गंदम लगाएंगे। ट्रैक्टर पहले चल चुका था तो मैं यहाँ पे नहीं था, भाई रहमान ने ट्रैक्टर चला के सारा हमारा जो है खेत है तैयार कर लिया। तो अभी इसमें पानी दे रहे हैं, पानी देने के बाद अभी इसमें गंदम का बीज डालेंगे तो गंदम इंशाल्लाह हमारा तैयार हो जाएगा। मौसम तो ख़ास नहीं है क्योंकि अभी गर्मी भी है, गंदम जो है सर्दियों में तैयार हो रहा है। तो हम इसकी जो है गंदम की बीज डालते हैं 50 किलो, तो हम इसकी जगह पे अब डालेंगे 70 से 80 किलो फी एकड़, क्योंकि अभी ठंड नहीं, ठंड में जो ज़्यादा बूटा मारता है, अभी गर्मी है तो एक तीला निकलेगा, ठंड में एक तीले से 4-5 तिल निकलते हैं इसलिए। तो ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह एक एकड़ हमारा समझो ये तैयार हो चुका है और अभी दो एकड़ यहाँ पर है। तो हमारा चाचा लीमा साहब भी आ रहा है। चाचू क्या हाल है? चाचू खुश हो? खैर ठीक ठाक अमन, नाराज तो नहीं हो गए ना, वीडियो भर रहा हूँ। गुड हो गया वा वा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गंदम की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। बिस्मिल्लाह गुड हो गया, गुड हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, पूरा भर गया है। तो आगे खोलो इसको, इनको तो आप लोगों ने पहचाना होगा, कपास के टाइम ये हमारे पास काम कर रहा था बीज के लिए, ये हमारे साथ ही होते हैं। ओ अली जा जा, ओ चल चल, ओए आप एक पत्थर मार के इधर पानी मेरे पास आ गया, देखो। हाँ जी, बस यार क्या करें अली साहब को, हम अली के काम ही ऐसे हैं, मोबाइल भी मेरा पानी हो गया, साफ कर लूँ ना। जल्दी कर जा जा, आपू बुला रहे हो, जा जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, चलो भाई
कितने बजे आए थे यहाँ पे? सुबह 6 बजे। सुबह को 6 बजे? तो अभी पानी कितने टाइम मिला था? पानी कितने बजे मिला था? 4 बजे। तो अभी कितना टाइम हो चुका है? देखो सही, मोबाइल में देख लो। 4 बजे, अभी 5:30 हो चुके हैं, समझो 4 मिनट रह रहे हैं। 1.5 घंटे में 1.5 किला। फिर क्या चाहिए हमें? ओ भाई, आज तो पानी माशाल्लाह बहुत टाइट है। तो अभी ये बंजू है, बंजू है, इसमें जो है ना ज़्यादा मिट्टी होता है, ये ज़्यादा टाइम लेता है पानी भरने में। हमारे साथ क्या हो रहा है यार? हमारे चूजे बीमार हो जाते हैं, हमारा ये जो बकरी है बीमार हो चुका है, अभी इसका जो है पेट पूरा भर गया है हवा से, इसने आटा खाया, आटा यहाँ पे जम गया, इसलिए इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो हम इसको पेप्सी बोतल भी दे रहे हैं, और अल्लाह खैर के दुआ करो यार ये ठीक हो जाए। बिस्मिल्लाह करके अभी आ जा। चुप हो जा। अल्लाह खैर करेगा, बस दुआ करो अल्लाह कर ठीक हो जाए यार। क्योंकि देखो ना, इंसान हो जानवर हो, सबके लिए दुआ किया करो, क्योंकि ये भी अल्लाह ने हमको बनाया है धरती पे लाने के लिए, इनको भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, हम इनका ख्याल करें। ये तो बेतुबान है, इंसानों का लोग ख्याल नहीं करें, जानवर करें, क्योंकि ये वफादार, इंसान वफादार नहीं होते। तो ये लो शीशा, तो दुआ करो अल्लाह करे मेरी बकरी ठीक हो जाए, अल्लाह खैर करेगा। चलो अभी बिस्मिल्लाह करके उठो, उठो मेरी जान, उठो 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 उठो, देखो उठ भी नहीं रही है अभी, उठ जा। ये देखो सारे चूजे एक जगह पे खड़े रहे हैं, वाह भाई वाह, आ जा आ जा। ये देखो सबसे डिफरेंस है, ये देखो कैसे लग रहा है। तो यार हमारा जो बकरी है ना, उसने तो आटा खा लिया था, आटा जैसे सीमेंट जैसा नहीं होता है, रेट बजरे बजरा जैसे जम जाता है किसी जगह पर रख दो, तो आटा यहाँ पे जम गया उसके सीने में। तो अल्लाह खैर करे, उनको मैंने बोतल भी दिया, अचार भी दिया, क्योंकि अचार से इसका पेट ख़राब हो जाएगा, फिर ये क्या कहते हैं बड़ा पेशाब करके सारा कचरा निकाल देगा। तो पेप्सी बोतल इसलिए दिया, हाजमा हो जाए, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। आप लोग भी दुआएं करो, क्योंकि जानवर हैं, इनका ख्याल हमें करना चाहिए, ये भी ऊपर से आए हम भी ऊपर से आए, अल्लाह ने सबको नीचे भेजा एक दूसरे की मदद के लिए। पता नहीं लोग एक दूसरे की मदद करें या ना करें, हम तो कर रहे हैं भाई, इंसान हो चाहे जानवर। तो अल्लाह खैर करेगा, दुआएं करो और सुनाओ सब ठीक है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी किया करो यार, वीडियो फुल भी देखा करो।